हमारा ये प्रॉपर्टी नंबर, जो भी प्रॉपर्टी नंबर है, ये इम्पोर्टेंट कहने के लिए इसलिए कि स्कूल के एग्जाम में नहीं आएगा, कहीं ना कहीं इसका यूज हो सकता है, स्कूल के एग्जाम में भी यूज हो सकता है, लेकिन आएगा नहीं, 90% चांस होता है। इसका होल स्क्वायर अगर है तो उसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा नहीं तोड़ा जाएगा, उसमें टूटेगा मॉड ऑफ जेड वन स्क्वायर मॉड ऑफ जेड टू स्क्वायर प्लस टू रियल पार्ट ऑफ जेड वन इंटू जेड टू डैश। एक काम करने वाले हैं हम, इसको प्रूफ करने के लिए आपको एग्जाम्पल लेंगे और पूरे एग्जाम्पल के साथ प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं पहले पहले सिंपल सा तुमको कुछ प्रॉपर्टी बताए हैं। कुछ प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी बताए थे मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, उसको आप जेड इंटू जेड डैश लिख सकते हैं। याद है कि नहीं है हमको नहीं पता, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर जेड इंटू जेड डैश लिख सकते हैं। कुछ लोग को पता है, कुछ लोग को नहीं पता है, पता है तो अच्छा बात है, नहीं पता तो देखिएगा। मॉड ऑफ जेड अभी थोड़ा देर पहले प्रॉपर्टी बताए थे उसमें ये बात किए थे, ठीक है। ये मॉड LHS से स्टार्ट करते हैं, हम बनाने की कोशिश करते हैं, बन गया तो अच्छा है। जेड वन प्लस जेड टू का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर है, इसको अगला स्टेप में क्या लिखोगे, जेड वन प्लस जेड टू, जस्ट बगल में जेड वन प्लस जेड टू इसके ऊपर डैश। कुछ लोग समझ गए, कुछ लोग को लग रहा है भैया क्या बोल रहे हैं, भैया कोई बोल नहीं रहे हैं, भैया सिंपल सा बात बोले हैं कि अगर किसी का मॉड है स्क्वायर है, अगर मेरे ऊपर मॉड लगा दो स्क्वायर लगा दो तो मेरा और मेरे ऊपर एक कैप पहना दो, वही बात है। इसके अंदर जेड वन प्लस जेड टू का, जेड वन प्लस जेड टू और जेड वन प्लस जेड टू के ऊपर डैश, इसी को आगे सोल्व करेंगे। ये हमारा जेड वन, ये हमारा जेड टू और ये हो जाएगा जेड वन का डैश प्लस जेड टू का डैश। जो प्रॉपर्टी लाइन से पढ़ाते आ रहे हैं दिमाग में नहीं बैठा होगा क्योंकि आप पहली बार देख रहे हो, आपको बस दिमाग में बैठाना है कि कंजुगेट जब ऐसा लगा रहता है तो प्लस के केस में अलग अलग हो जाता है। आप बचपन में मल्टीप्लीकेशन पढ़े थे, वही मल्टीप्लीकेशन, जेड को जेड वन से, जेड वन डैश फिर प्लस जेड वन जेड टू डैश फिर प्लस जेड टू जेड वन डैश फिर प्लस, कितना हो जाएगा बोलिए, कुछ लोग को दिमाग में आएगा जल्दी बोलिए, जेड वन जेड टू है ना, जेड टू जेड टू डैश। कुछ लोग यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक लगभग लगभग बोलेगा भैया एकदम परफेक्ट समझ में आया, चलिए अच्छा बात है समझ में आया। तो अब ये प्रॉपर्टी जो भी है इस प्रॉपर्टी में देखिएगा, जेड वन डैश अभी बताए हैं दो कम्प्लेक्स नंबर अलग अलग नहीं सेम हो और कंजुगेट लगा हो तो इसको मॉड ऑफ जेड वन स्क्वायर, लास्ट में जेड टू डैश प्लस मॉड ऑफ जेड टू स्क्वायर प्लस जेड वन जेड टू डैश प्लस जेड टू जेड वन डैश। अब यहाँ तक आने के बाद, यहाँ तक आने के बाद हमको साफ साफ दिख रहा है ये टू रियल जेड वन इंटू जेड टू का डैश। कुछ लोग बोलेगा इसको कैसे कीजिएगा भैया, इसको कैसे प्रूफ कीजिएगा, इसके लिए फिर से आपको जेड वन जेड टू डैश निकालना होगा, जेड टू जेड वन डैश मल्टीप्लाई करना होगा और फिर उसको निकालना होगा, उसका रियल पार्ट देखना होगा, तो वो भी हम अभी दिखा देंगे, टेंशन नहीं लेना, अभी वो भी दिखाएंगे। पहले जल्दी से यहाँ तक समझा है, यहाँ तक नहीं समझा है पूछो, तब तक हम वीडियो पाउच कर रहे हैं और यहाँ तक का बात के बाद फिर हम बताएंगे। चलिए पहले यहाँ तक समझते हैं। अभी ये प्रॉपर्टी में हमने स्टार्ट किए LHS से, LHS में जेड वन जेड टू के ऊपर में मॉड लगा है और बाहर में स्क्वायर है, तो इसको स्क्वायर को हम मॉड है और स्क्वायर है तो उसको ब्रेक नहीं कर सकते, पर ये मॉड का स्क्वायर का फॉर्मूला बताए थे कि अगर कोई भी अंदर में चीज है उसका मॉड का स्क्वायर है उसको हम जेड और उसी के ऊपर डैश लगा के दोनों को इंटू करेंगे, ये सेम होगा। ये प्रॉपर्टी बताए थे मॉडुलस में भी, जस्ट बताए थे ये प्रॉपर्टी है, वही हम काम किए। अंदर में जो था जेड वन प्लस जेड टू और जेड वन प्लस जेड टू है उसके ऊपर ये कंजुगेट लगा दिए, देखिए ये कंजुगेट लगा, साफ आपको कंडीशन दिख रहा है। तो अब तुम बोला अच्छा बात है भैया आपको दिख रहा है, बहुत खुशी का बात है। अब जेड वन प्लस जेड टू पर ये जो कंजुगेट है एक बार जेड वन के ऊपर जाएगा, एक बार जेड टू के ऊपर जाएगा। अब इसको सिंपल जो हम टेंथ क्लास में नाइन्थ क्लास में फोर्थ क्लास में मल्टीप्लाई करते थे करेंगे, जेड वन को जेड वन के डैश से जेड वन डैश, जेड वन को जेड टू डैश से जेड टू को जेड वन डैश से जेड टू को जेड टू डैश से, इतना करती है कोई प्रॉब्लम कहीं भी नहीं आया। अब ये जो जेड वन डैश है और ये जेड टू डैश है, अभी ये प्रॉपर्टी बगल में लिखा हुआ है पूरा डार्क करके, जेड और उसी का डैश हो तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर होता है, तो उसी तरह जेड टू और जेड टू डैश है तो मॉड ऑफ जेड टू स्क्वायर होता है। ये मॉड ऑफ जेड वन स्क्वायर, ये मॉड ऑफ जेड टू स्क्वायर, ये जेड वन जेड टू डैश, ये जेड टू जेड वन डैश। तुम जो प्रूफ करना चाह रहे हो वहां ध्यान दो, जेड वन और जेड टू डैश है, जेड वन और जेड टू डैश है, यहाँ पर जेड वन जेड टू डैश है पर यहाँ पर कुछ अलग चीज है, यहाँ पर क्या है जेड टू जेड वन डैश है। हम एक काम करना चाहते हैं, ध्यान देना और बताना ऐसा करने में क्या प्रॉब्लम, जेड वन का स्क्वायर
प्लस मॉड ऑफ जेड टू का स्क्वायर प्लस जेड वन जेड टू डैश प्लस जेड वन जेड टू डैश के ऊपर समझना, अच्छे से समझना कि जेड टू जेड वन डैश को ये लिख सकते हैं। कुछ लोग नहीं समझा, अभी हम समझा देते हैं, हम यहां समझा देते हैं, एक मिनट समझा देते हैं। देखिएगा अभी हम ये है जेड वन और जेड टू डैश, ये हम लिखे हैं और इसके ऊपर में डैश लगा, हम इसको सोल्व करके दिखाते हैं। जेड वन और जेड टू डैश के ऊपर में डैश लगा दी, इसको कंजुगेट बोलते हैं। कंजुगेट का पहला प्रॉपर्टी था कि आई इन टू में है तो अलग अलग हो सकता है। यहाँ पर जेड वन का डैश होता और जेड टू डैश पहले से था, एक डैश और लग जाता, आपको पता होगा इन टू में है तो ऐसा होता। तब इतना है तो अब देखिए ये तो जेड वन डैश है और ये जेड टू हो गया, ये भी प्रॉपर्टी था डैश के ऊपर डैश लगा हुआ है तो वो डैश हट जाता है। फाइनली देखिए आपको जेड वन जेड टू डैश के ऊपर डैश था तो इसको सोल्व करने के बाद जेड वन का डैश और इंटू जेड टू आया, इसी को आप जेड टू जेड वन का डैश लिख सकते हैं। मतलब आपके क्वेश्चन में समझिएगा, आपके क्वेश्चन में जेड टू जेड वन डैश था और एक तरफ जेड वन जेड टू डैश था। हम देखें कि जेड टू जेड वन डैश है, इसको भी अगर हम जेड वन जेड टू डैश लिखना चाहते हैं लिख तो देंगे, पर बाहर में एक डैश लगाना होगा। ये बाहर में डैश क्यों लगाना होगा? बाहर में डैश इसलिए लगाना होगा कि ये वैल्यू को ये लिख नहीं सकते हैं, ये वैल्यू को ये नहीं लिख सकते हैं। तो अगर तुम इसको इस तरह से लिखना चाहते हो तो बाहर में डैश लगाना होगा, क्योंकि देखो बाहर में अगर डैश लगाओगे तो सोल्व करने पर फाइनली यही आएगा। ये कंजुगेट का प्रॉपर्टी था। अब तुम बोलोगे भैया अब आप बहुत अच्छा बता दिए, अब क्या होगा, क्या जादू कर दिया? तो एक प्रॉपर्टी पढ़ाए थे एडिशन में, जेड प्लस जेड डैश, जिसको याद होगा टू टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड, ये पढ़ाए थे, ये भी प्रॉपर्टी पढ़ाए थे। अब जिनको याद नहीं है उनको मिटाने हो तो हमको, क्योंकि उधर नहीं दिख रहा होगा, हम फिर से बताते हैं। हम एक प्रॉपर्टी बताए थे जेड प्लस जेड डैश, इसका जो टू रियल पार्ट ऑफ जेड, कुछ लोग को समझ में आएगा ये प्रॉपर्टी, क्योंकि वो देखा है, वो घर में सेल्फ स्टडी किया है। जो नहीं समझा उनके लिए, जेड का वैल्यू एक्स प्लस आई वाई है, एक्स प्लस आई वाई, जेड डैश का वैल्यू एक्स माइनस आई वाई है। अब आपको ऐड करके दिखाए थे जेड प्लस जेड डैश, तो ऐड जब किए थे तो एक्स एक्स टू एक्स आया था। ये जेड प्लस जेड डैश हम बताए थे 2x को हम रियल पार्ट ऑफ जेड लिखते हैं, तो ये प्रॉपर्टी था कि जेड और उसी का डैश हो तो 2 टाइम्स ऑफ रियल ऑफ जेड। तब यहाँ पर देखो ये एक जो भी इंसान है अंदर में ब्रैकेट के वो है, बीच में प्लस का साइन है और उसी इंसान के ऊपर डैश लगा हुआ है। तो अगर हम और मेरे ऊपर डैश लगा के ऐड करोगे 2 टाइम्स ऑफ मेरा रियल पार्ट ये, तो अगला स्टेप में मॉड ऑफ जेड वन स्क्वायर mod of z2 square और plus 2 times of z1 z2 dash लिखेगा, पर यहाँ r लिखेगा, इसका ये मतलब हो जाएगा real part 2 real part। real part कहने का मतलब ये z1 और z2 dash को गुना कर लेना, जब गुना कर लोगे और उसमें जो real part होगा वही यहाँ लिखाएगा, imaginary part नहीं लिखाएगा। कम्प्लेक्स नंबर है, फर्स्ट बार पढ़ रहे हो, बहुत कंफ्यूजन होता है, फिर से शुरुआत से समझा रहे हैं और वीडियो चल रहा है, वीडियो पॉज नहीं कर रहे हैं, शुरुआत से समझाते हैं। हमारा ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन समझो, ये हमको क्वेश्चन दे देगा कोई टीचर, बोलेगा चलिए इसको प्रूफ कीजिए, आप तो प्रॉपर्टी समझ रहे हो, हम जो क्वेश्चन दे दिए। तो हम LHS से स्टार्ट करेंगे, LHS में सबसे पहले जितना प्रॉपर्टी पहले पढ़ चुके हैं सारे प्रॉपर्टी को माइंड में रखना होगा। तो मॉड में जेड वन प्लस जेड टू का होल स्क्वायर है, जब इसका होल स्क्वायर है तो कभी भी मॉड का स्क्वायर होता है, तो जेड और जेड का डैश लिख सकते हो। तो अंदर वाले पूरे को जेड समझो, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर ऐड हो के एक कम्प्लेक्स नंबर ही होता है, जेड और उसके बगल में जेड का डैश। ये जो डैश है ये कंजुगेट है, कंजुगेट का प्रॉपर्टी होता है एक कंजुगेट इस पे जाएगा, एक कंजुगेट इस पे जाएगा, फिर ये चुपचाप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करते करते यहाँ तक जेड जेड वन डैश जेड टू जेड टू डैश, इसको मॉड ऑफ जेड वन स्क्वायर मॉड ऑफ जेड टू स्क्वायर, बच जाएगा ये दो चीज, ये एक बचेगा और ये एक बचेगा।
लेकिन जो चीज प्रूव करना है उसमें रियल पार्ट ऑफ जेड वन जेड टू का डैश है, रियल पार्ट ऑफ जेड वन जेड टू का डैश है। तो हम यहाँ जेड वन जेड टू डैश देखे, यहाँ जेड टू जेड वन डैश देखे, क्योंकि हम टीचर हैं, हमको बहुत चीज मालूम हो गया है, हमको भी मालूम नहीं था, पढ़ते पढ़ते पढ़ाते पढ़ाते मालूम चल जाता है। तो हम जेड टू जेड वन को डायरेक्ट लिख दिए जेड वन, देखो जेड वन यही था और जेड टू और डैश, मतलब यही चीज लिख दिए। पर ऊपर में जब ये नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये जेड टू जेड वन डैश है। ऊपर में अगर ये लगा देते हैं जो कंजुगेट बोलते हैं, तो इसको पूरा कैलकुलेट करोगे, इधर कैलकुलेट किए हैं, देखो अच्छा से कैलकुलेट किए हैं, फाइनली ये जेड टू जेड वन डैश ही हो रहा है। मतलब हम इसको ये लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद हम फिर से प्रॉपर्टी दिखाए हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जेड और जेड का डैश है और एड है, तो रियल पार्ट होता है जेड टू टाइम्स ऑफ, तो ये समझो जेड और ये समझो उसी का डैश, तो टू टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड वन जेड टू का डैश, यही हमको प्रूव करना था। अब भी नहीं समझ में आया, 10 बार वीडियो देखिएगा, समझिएगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समझ में आएगा। अब चलिए वीडियो पाउच कर रहे हैं, मजा आएगा। चलिए सेम प्रॉपर्टी है, लास्ट प्रॉपर्टी आज का, आज के लिए इतना ही, अगला दिन हम लोग आर्गन प्लेन और आर्गुमेंट ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। जेड वन माइनस जेड टू का होल स्क्वायर, जो भी चीज पर आ रहे हैं आपको जानबूझ कर उस तरह का लेबल दे रहे हैं कि आप कभी कभी कम्पिटिटिव एग्जाम में या कहीं बैठिए तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। बहुत चीज कम्प्लेक्स नंबर में होता है, उतना तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन जितना बता पाएंगे। तो LHS में आप जेड वन माइनस जेड टू का होल स्क्वायर लिखोगे, इसको लिखोगे जेड वन माइनस जेड टू, और जस्ट बगल में जेड वन माइनस जेड टू दोगे, उसके ऊपर डैश लगाओगे, ये हो गया जेड वन माइनस जेड टू, ये हो गया जेड वन डैश माइनस जेड टू डैश। फिर यहाँ मल्टीप्लाई करोगे जेड वन डैश माइनस जेड वन जेड टू डैश माइनस जेड टू जेड वन डैश, और फिर क्या हो जाएगा प्लस जेड वन जेड टू डैश, सॉरी जेड टू जेड वन, ये हो गया मॉड ऑफ जेड वन स्क्वायर, ये हो गया मॉड ऑफ जेड टू स्क्वायर माइनस कॉमन, ये जेड वन जेड टू डैश प्लस जेड टू जेड वन डैश, को जेड वन जेड टू डैश के ऊपर हम लोग क्या लगा सकते हैं डैश लगा सकते हैं। ये लगाने के बाद आपको अभी थोड़ा देर पहले बताए हैं, ये लगाने के बाद ये फिर सोल्व करोगे पूरा, तो जेड टू जेड वन डैश आ जाएगा। ये हो गया मॉड ऑफ जेड वन स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड टू स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड वन जेड टू डैश, क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले पढ़े हैं जेड प्लस जेड डैश टू टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड। जितना प्रॉपर्टी था लगभग कोशिश किए बताने का, समझाने का, समझ में आया ठीक। सबको अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा, जितना मन करे उतना ही पढ़िएगा, ज़्यादा पढ़ के कोई फायदा है नहीं, ज़्यादा पढ़िएगा तबीयत खराब होगा। 1 घंटा पढ़े हम लोग, जितना भी पढ़े सबका वीडियो बना चुके हैं, सबका वीडियो अपलोड कर देंगे, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं IPL भी देखिएगा, क्रिकेट या क्या क्या होता है ड्रीम इलेवन खेलिएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिएगा, हारिएगा तो टेंशन नहीं, जीतिएगा तो टेंशन नहीं, ठीक है, आराम से खेलिए, मस्ती कीजिए, घूमिए फिरिए, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही।